तो फाइनली गाइज मॉनसून आ ही गया। आज के वीडियो में जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो ऑब्वियसली हमारे बाल है। तो मॉनसून में हेयर फॉल बहुत ही कॉमन है और उसके साथ और एक प्रॉब्लम होता है वो है डैंड्रफ। एक नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डैंड्रफ, इची स्कैल्प, डलनेस और बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। बाल खोल के स्टाइल नहीं कर सकते, कुछ देर निकल के जाओगे बालों को खोल के ना लगेगा जैसे बाल गीले हो गए हैं, ऐसा लगता है ना मानसून में बालों में कोई शाइन ही नहीं रहता है। इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, छोटे छोटे रेमेडीज बताऊंगी, ट्राई करोगे तो मानसून में फायदे में रहोगे, बाल नहीं चढ़ेंगे और बाल शाइनी रहेंगे। लेकिन उसके लिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। मॉनसून में बालों में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं अभी मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको अच्छा सा सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे पिछले दिनों और एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो वहां पे जो रेमेडीज को मैंने ट्राई आउट किया है उनको आप भी ट्राई आउट कर सकते हो, हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मॉनसून में अगर आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है और बालों में मॉइस्चराइजेशन का प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा मेरे बालों में मॉइस्चराइजेशन का प्रॉब्लम है? आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाएंगे। बालों में नमी तो रहेगा लेकिन फ्रीजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि मेरे बालों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक साधारण सा रेमेडी ट्राई कर सकते हो और ये रेमेडी लड़के भी कर सकते हैं, ये डैंड्रफ को भी ट्रीट कर देगा और आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा। इसके लिए आपको लेना है खट्टा दही, इसके साथ आपको मिलाना है नींबू का रस। बालों के लेंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको चीजें लेनी है। अगर आपके बालों का लेंथ मेरे बालों की तरह है, मिड लेंथ है, तो आप 3 से 4 बड़े चम्मच दही ले लीजिए। इसके साथ आपको आधा नींबू काट कर निचोड़ के लेना है। और अगर आपके बालों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, मॉइस्चराइजेशन का प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, बालों में कोई भी शाइन नहीं है, तो बादाम तेल से बेहतर कोई भी तेल नहीं है मार्केट में, इवन दुनिया में नहीं है, तो बादाम तेल को लीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लो गाइज। मिक्स करने के बाद इसको आपको अपने बालों में अच्छे तरीके से लगाना है। स्कैल्प में भी लगा सकते हो और पूरे बालों में लगाकर आप इसको 15 से 20 मिनट रख दीजिए। और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए थोड़ा सा स्टीम कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपको इसको शैम्पू करके धो देना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक बार करके ट्राई कर सकते हो, आपको हर दिन करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे रेमेडी की तरफ। अब मॉनसून में बालों में डैंड्रफ और मॉइस्चराइजेशन की कमी होती है और उसके साथ जो प्रॉब्लम हमें फील होता है वो है डलनेस। हमारे बालों में कोई भी शाइन नहीं रहता है और इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो लोग बालों को थोड़ा सा खोल कर स्टाइलिंग करना पसंद करते हैं, अगर बालों में डलनेस रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। डलनेस को दूर करने के लिए आप इस आसान से रेमेडी को ट्राई आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको लेना है प्लेन पानी और इसके साथ आपको मिला लेना है थोड़ा सा चाय, जो चाय हम पीते हैं वही वाला चाय के दाने मिला लीजिए और इसको अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसका जब कलर चेंज हो जाए इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर छांग के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों में। चाय पत्ती का जो पानी होता है कैसे बालों में इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल पे। और ये ना एक तो हार्ड वाटर का प्रॉब्लम दूर करता है और दूसरी चीज ये आपके बालों में बहुत अच्छे तरीके से शाइन भी लाता है। इसको आप रेगुलर ट्राई कर सकते हो। जो लोग हर दिन अपने बालों को धोते हैं वो इससे अपने बालों को धो सकते हैं, उससे इनको अच्छा फायदा मिलेगा। नहीं तो जिस दिन आप शैम्पू करोगे ना, शैम्पू कर लो, कंडीशन कर लो बालों को, बालों को अच्छे से धो लो। धोने के बाद फाइनली जो लास्ट पानी आप अपने बालों में डालोगे वो नॉर्मल पानी ना डालकर चाय पत्ती का ये जो पानी है इसको आपको अपने बालों में डालना है। स्कैल्प में भी डालोगे तो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको अपने बालों में और कोई पानी नहीं डालना है और फिर बालों को पोंछ के सुखा लीजिए। बस यही वाला सिंपल सा रेमेडी ट्राई करोगे ना तो आपके बालों में शाइन फिर से वापस आ जाएगा, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपका सवाल यही रहेगा कि इसको हफ्ते में कितने दिन ट्राई करना है। जिस जिस दिन शैम्पू करोगे उस दिन ट्राई कर लो। हफ्ते में अगर 2 दिन शैम्पू करते हो तो कर लो, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि मॉनसून में हम अपने बालों को कितनी बार धोए। तो देखो अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि मॉनसून में आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को धोइए। 1 से ज्यादा बार अपने बालों को धोओगे मॉनसून में तो फायदे में रहोगे, आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे। क्योंकि मॉनसून में हमारे बाल बहुत ही स्टिकी रहते हैं, पसीना जम जाता है स्कैल्प में। तो अगर आप मॉनसून में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अपने बालों को धोओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। हेयर पैक, हेयर मास्क जो भी लगाना है लगाओ, लेकिन एटलीस्ट 2 बार अपने बालों को धो।
मॉनसून एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आप नोटिस करोगे आपके बाल बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा हाथ लगा लिया और बाल झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बालों के जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहता है मॉनसून के टाइम पे, हर जगह पे आपको एक चिपचिपाहट फील होगा, वेदर में भी चिपचिपाहट फील होगा और वो आप अपने स्किन पे भी फील कर सकते हो, स्कैल्प में फील कर सकते हो। स्किन पे हाथ लगाओगे तो कितना स्टिकी स्टिकी फील होता है ना मॉनसून में, धूप नहीं रहता है लेकिन ये स्टिकीनेस फील होता है, वो स्कैल्प में भी फील होता है और हमारे स्किन में भी फील होता है। तो इसके लिए हमारे बालों के रूट्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जिस दिन हम अपने बालों को वॉश करते हैं उस दिन अगर हम गीले बालों को कंघी करते हैं तो ज्यादा बाल टूटते हैं क्योंकि हेयर रूट्स बहुत ज्यादा नरम रहते हैं। उसी तरीके से मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसीलिए जब भी आप अपने बालों को कोम करते हो ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताती हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, ट्राई करना इसको। ये जो कोम आप देख रहे हो ये प्लास्टिक का एक कोम है, इसके जो मुंह है ना, दांत है जिसको हम टीथ कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं और आपके बालों के रूट्स ऑलरेडी मॉनसून में बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो शार्प टीथ वाले जो कोम होते हैं उनसे अगर आप अपने बालों को ज्यादा कोम करते हो तो बाल बहुत ज्यादा टूट सकते हैं। इसके बदले अगर आप वुडन कोम इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और नीम का कोम मिलता है, इससे आप अपने बालों को कंघी करोगे तो एक तो आपके स्कैल्प में अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, बालों को अच्छे तरीके से डिटैंगल कर पाओगे और बाल ऐसे टूट नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जो प्लास्टिक के कोम होते हैं उतने शार्प होते हैं, उनके टीथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना तो बाल गिर जाते हैं टूट के, लेकिन जो वुडन कोम होते हैं उससे ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश ये करना कि मॉनसून के समय आप प्लास्टिक के कोम को थोड़ा सा अवॉइड करके वुडन कोम को इस्तेमाल करो, इससे आपका हेयर फॉल कम होगा। अब मॉनसून में लगभग सभी के बाल बहुत ज्यादा स्टिकी रहते हैं, बालों में कोई भी जान नहीं रहता है, वो एड्स पे दिखाते हैं ना बालों को ऐसा ऐसा करते हैं, हम लोग रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा फ्रिजनेस का इशू होता है। उससे अपने बालों को दूर रखने के लिए आप ये वाला ट्रिक ट्राई कर सकते हो। अगर आपके बालों में फ्रीजनेस नहीं रहेगा तो टैंगल नहीं बनेंगे और अगर टैंगल कम रहेंगे तो आपके बाल कम झड़ेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो फ्रीजनेस को कंट्रोल करने के लिए इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो, मैं हर साल मॉनसून में इस रेमेडी को ट्राई करती हूँ। इसके लिए ना आपको अपना जो कंडीशनर आप इस्तेमाल करते हो उसको लेना है, अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले लो। अगर आपके बाल मेरी तरह मिड लेंथ है तो 2 बड़े चम्मच ले सकते हो और इसके साथ आपको आधा छोटा चम्मच लेना है हेयर सीरम, जो भी सीरम आप इस्तेमाल करते हो। अगर हेयर सीरम नहीं है तो थोड़ा सा कोई भी ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल और बादाम तेल अच्छा काम करेगा, नारियल तेल भी ले सकते हो अगर ये 2 तेल नहीं है तो। लेकिन कोशिश ये करना अगर सीरम है तो उसी को लो, आधा छोटा चम्मच सीरम इसके साथ मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद ये जो पेस्ट तैयार हो जाएगा शैम्पू करने से आधा घंटा पहले इसको आपको अपने बालों में लगाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, स्कैल्प में इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपके बाल ज्यादा झड़ सकते हैं। तो सभी को पता है कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए, तो इसको बालों में लगाकर आधा घंटा रख दो और उसके बाद शैम्पू कर लो। अच्छा, बालों का जो ये ऊपरी हिस्सा है, जो ये टॉप एरिया है, यहाँ पे कैसे लगाएं? हाथों में इसको इस तरीके से लगाकर अच्छे तरीके से मल लो और उसके बाद ऐसे डैब डैब करके बालों के ऊपरी हिस्से में इस तरीके से लगा दो और इसको ऐसे कोम की तरह अंदर की तरफ नहीं करना है। तो इस तरीके से लगाकर आप इसको शैम्पू कर लीजिए, आपके बालों में फ्रीजनेस का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और बाल शाइन भी करेंगे। तो इस रेमेडी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। फाइनल जो रेमेडी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, वो है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए मॉनसून में हम लोग क्या करें। तो पूरे मॉनसून में आप अपने बालों में हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। साल का कोई भी समय हो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हर समय लागू होता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है तो हॉट ऑयल ट्रीटमेंट डेफिनेटली कीजिए। यहाँ पे एक सिंपल से तेल का रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको मॉनसून में जरूर ट्राई करना। इसके लिए आपको लेना है कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल और इनके साथ रेशियो तो आपको पता ही है, कोकोनट ऑयल अगर आप 2 चम्मच ले रहे हो तो कैस्टर ऑयल आपको आधा चम्मच लेना है। इसके साथ आपको फ्रेश नीम के पत्ते ले लेने हैं और इसको थोड़ा सा तोड़कर आप इसके साथ मिक्स कर लो और इंडिगो पाउडर अगर आपके घर में है तो आधा चम्मच इंडिगो पाउडर ले लो। इंडिगो पाउडर का ऑयल ना बालों के लिए कमाल का होता है और ये हेयर फॉल को भी इंस्टेंटली कंट्रोल करता है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लो, मिक्स करके डबल बॉयलर मेथड में आप एक होममेड हर्बल ऑयल तैयार कर लो। अब इस ऑयल से आप अपने बालों को चंपी करो और इसको आपको रात में करना है और इसको ओवरनाइट रखना है और अगले दिन आप शैम्पू कर सकते हो। तो इस तरीके से हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करोगे तो आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपके बालों में जो मॉइस्चरनेस की कमी रहती है ना वो भी इससे भरपूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे रेमेडीज आप लोगों को बता दिया, अब इनको आप फॉलो कैसे करोगे? आपको लगेगा बहुत ज्यादा रेमेडी बता दिया है, चलो मैं इजी कर देती हूँ। तो सबसे पहले रात में आप लोग हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कर लो, जो रेसिपी मैंने बताया उसको ट्राई कर लो, रात में पूरी रात इसको रख लो।
अच्छा, बालों को आपको इस तरीके से चोटी बांध के रख देना है, ठीक है। और ये जो स्क्रंचेस है, इस तरीके का स्क्रंचेस आपको मिल जाते हैं मार्केट में, तो इनको आप इस्तेमाल करोगे तो कम हेयर फॉल होंगे। तो रात में आपने बालों को ऑयलिंग कर लिया, अगले दिन डेफिनेटली आपको अपने बालों को शैम्पू करना है। तो शैम्पू करने से पहले आप, अगर आपको अपने बालों में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो जो दही का रेमेडी मैंने बताया उसको ट्राई करना है। अगर आपको अपने बालों में बहुत ज्यादा फ्रीजनेस का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ नहीं है, तो आपको हेयर कंडीशनर वाला जो रेमेडी मैंने बताया है उसको ट्राई करना है। अब दोनों को ही आप आधा घंटा करके रख सकते हो। आधा घंटा रखने के बाद आपको अपने बालों को वॉश करना है। तो वॉश करते टाइम पे आप चाय पत्ती का जो पानी मैंने आप लोगों को बताया उसको इस्तेमाल कर लो, हो गया। और अगर आप हेयर स्पा घर पे करना चाहते हो तो दही का जो रेमेडी मैंने आप लोगों को बताया है, ये हेयर स्पा का बहुत ही चीप ऑल्टरनेट है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको आप हफ्ते में एक बार करके ट्राई आउट कर सकते हो। और हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को धोने की कोशिश करना, चाहे आपके बाल कितने भी लंबे हो। मेरे बाल भी काफी लंबे हो गए हैं, तो मैं भी हफ्ते में 3 बार अपने बालों को धो रही हूँ मानसून में, तो आप लोग भी कोशिश करो। कोशिश करोगे तो जरूर कर पाओगे। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, मॉनसून हेयर हैक्स के ऊपर। वीडियो में जितने सारे रेमेडीज मैंने आप लोगों को दिखाया है, सारे रेमेडीज ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। इनको बस आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपको अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है। कोई भी सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।